चुनाव से जुड़ी हर अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। इस बीच एक बड़ी खबर, लोकसभा चुनाव 2024 के परिणाम की 8 बजे से औपचारिक शुरुआत हो जाएगी और काउंटिंग के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। न्यूज 18 पर सबसे तेज सबसे सटीक नतीजे। बिल्कुल, और लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे आज घोषित हो जाएंगे और सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू होगी, काउंटिंग शुरू होगी और काउंटिंग का काउंटडाउन भी स्टार्ट हो चुका है। काउंटिंग के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। न्यूज 18 पर सबसे पहले सबसे सटीक और सबसे तेज नतीजे आप देख पाएंगे और कहां कितनी सीटें, कौन आगे चल रहा है, कौन पीछे चल रहा है, किसकी सीट बड़ी और हाई प्रोफाइल सीटों पर क्या हो रहा है, तस्वीर सीधे ग्राउंड जीरो से हमारे रिपोर्टर्स भी आप तक पहुंचाएंगे। हमारे तमाम रिपोर्टर्स ग्राउंड जीरो से सीधे जुड़ेंगे और आप तक हर तस्वीर पहुंचाएंगे कि किसके कार्यालय में जश्न का माहौल है तो कहां मायूसी छा रही है। तो शुरुआत करेंगे और पहले आपको 20 हमारे रिपोर्टर्स से मिलवाते हैं जो ग्राउंड जीरो पर पहुंच चुके हैं और क्या रहेगी ग्राउंड जीरो की स्थिति बताने के लिए एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हम अपने रिपोर्टर्स का करा देते हैं जो अब से कुछ ही देर में अपडेट देना शुरू करेंगे। जब तो ये वो हमारे तमाम रिपोर्टर्स हैं, भोपाल से सीधे सुधीर दीक्षित जी हमारे साथ जुड़ेंगे, इंदौर से मिथिलेश हमारे साथ जुड़ेंगे, ग्वालियर से सुशील हमारे साथ जुड़ेंगे, जबलपुर से भी हमारे रिपोर्टर हमारे साथ जुड़ेंगे और शैलेंद्र भदौरिया हमारे साथ जुड़ेंगे छिंदवाड़ा से। छिंदवाड़ा काफी हाई प्रोफाइल सीट है आशीष, और यहां से देखना और भी ज्यादा दिलचस्प होगा कि क्या चल रहा है फील्ड पर। बिल्कुल, निश्चित रूप से, और विवेक बंटी साहू के लिए यहां पर कड़ी चुनौती है। चुनौती दरअसल ये छिंदवाड़ा के लोगों के लिए है कि उन्होंने किसे चुना है और किसे नहीं, इस पर दिलचस्प अभी बातचीत चल रही है। बैतूल लिए चलेंगे, बालाघाट आपको लिए चलेंगे, होशंगाबाद से भी अपडेट आप तक पहुंचाएंगे, मुरैना और भिंड से, सागर, खरगोन, खंडवा, राजगढ़ और गुना से भी हमारे सहयोगी अब से कुछ ही देर में इस पर लाइव अपडेट देना शुरू होंगे जब पहले राउंड की काउंटिंग शुरू हो जाएगी। इसके अलावा बात करें रीवा और सतना की तो वहां पर भी क्या कुछ चल रहा है ये भी घटनाक्रम आपको दिखाएंगे और साथ ही साथ धार लिए चलेंगे, दमोह, टीकमगढ़ से भी अपडेट्स आप तक पहुंचाएंगे। ये पूरी रिपोर्टर्स की टीम हमारे साथ मौजूद है और अब से कुछ ही देर में लाइव अपडेट आना भी शुरू हो जाएंगे। इससे पहले कुछ अपडेट लेने के लिए दिल्ली भी चलना पड़ेगा अंशिका, क्योंकि दिल्ली में इस वक्त सबसे ज्यादा गहमा गहमी है और दिल्ली में जो स्थिति रहेगी, क्योंकि सभी के प्रमुख जो नेता हैं वो दिल्ली में ही मौजूद रहेंगे और दिल्ली भी लिए चलेंगे और साथ ही साथ छत्तीसगढ़ की भी उन सीटों पर आपको बताएंगे हाल, क्योंकि 11 सीटें हैं और पिछली बार किस पार्टी के खाते में कितनी सीटें थी, इस बार कौन जीत रहा है और किसे जनता ने नकारा, ये भी दिखाना महत्वपूर्ण होगा। अभी प्रमुख टक्कर एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच। मध्य प्रदेश से लेकर छत्तीसगढ़ के रिपोर्टर्स हमारे, ये वो तमाम रिपोर्टर्स छत्तीसगढ़ से भी हमारे साथ जुड़ेंगे जो सीधे ग्राउंड जीरो से जो तस्वीर आ रही है वो आप तक पहुंचाएंगे। ये देखिए, खजुराहो से, सीधी से, शहडोल से, मंडला से, विदिशा से, रायपुर से, रतलाम से, मंदसौर, उज्जैन, देवास, सरगुजा, बिलासपुर, कोरबा, राजनांदगांव, बस्तर, रायगढ़, कांकेर, महासमुंद, दुर्ग, जांजगीर चांपा से, यहां से हमारे तमाम रिपोर्टर्स जुड़ेंगे और आप तक हर तस्वीर पहुंचाएंगे कि फील्ड पर इस वक्त क्या चल रहा है। आशीष, आज का नजारा तो सीधे ग्राउंड से ही आएगा, देखना होगा कि आज मंगलवार है तो किसके लिए ये मंगल साबित होगा, किसके लिए अमंगल होगा। मैं देख रहा हूं ये आंधी है। एनडीए सरकार 400 पार, एक सीट के अलावा सब सीधे जीत रहे हैं। कौन सी सीट? एक लड़ाई में क्यों तो हर साल 1,00,000 रुपया, 8,500 रुपया महीने का खटाखट आता रहेगा। रायबरेली की जनता भी खटाखट 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 भेजेगी घर। बीजेपी हो जाएगा सफा चट सफा चट सफा चट। उनका मंगल सूत्र पर उन लोगों की नजर है। तेरी माँ का मंगल सूत्र इस देश को कुर्बान हुआ है। अपने वोट बैंक की गुलामी करनी है तो करें, तो वहां जाके मुजरा करना है तो भी करें। पद की गरिमा रखें, पद की मर्यादा रखें।
ये महिलाओं का अपमान नहीं है। जिसने खाया है उसे बाहर निकालूंगा। हम बीजेपी को भी उत्तर देंगे, ये हमारा वादा है। धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जाएगा। तुम्हारे पास परिवार नहीं है और तुम हिंदू भी नहीं है। 140 करोड़ देशवासी वही मेरे वारिस है। 2047 के लिए काम कर रहा हूं। वो बोल रहे हैं 47 तक हम अब 47 का शाश्वत भी रहेंगे। अरे चलो भाई। तो जैसा कि अंशिका ने कहा कि आज है मंगल और मंगल के दिन किसका हो रहा है मंगल और किसके भितरघात होगी दंगल, ये बहुत कुछ निर्भर करेगा अंशिका परिणामों पर। जब परिणाम आएंगे, क्योंकि अभी तो रुझान आने शुरू होंगे और रुझानों से ही दरअसल न सिर्फ लोगों का बल्कि नेताओं का भी एक्साइटमेंट काफी जुड़ा हुआ रहेगा। आज तो मैं कहती हूँ कि तमाम जो बड़े नेता हैं, बड़े वीवीआईपी नेता, उनकी दिल की धड़कनें बढ़ चुकी है। ये देखना होगा कि रिजल्ट्स जब आएंगे तो फिर कैसा माहौल होगा, क्योंकि नजर सबकी 2024 के लोकसभा इलेक्शंस पर थी। 365 डेज किसी राजनीतिक दल ने काम किया तो किसी ने एकदम जी जान लगाकर ग्राउंड जीरो पर। हमने नेताओं के वो अवतार भी देखे जिसमें वो कभी नजर आए भी नहीं है और अलग अलग तरीके से प्रचार प्रसार का सिलसिला हमने देखा। तमाम वो बड़े दिग्गज जो शायद कभी गए भी नहीं, लेकिन इन चुनाव में वहां पर वो नजर आए। और वो बातें सबसे अहम हो जाती है कि पॉलिटिक्स का जो एक नया चेहरा है, नई तस्वीर है। बड़ी बड़ी बातें चुनावी सभाओं में की गई नेताओं की तरफ से, लेकिन उन बातों का असर कितना हुआ है जनता पर, ये कुछ ही समय बाद पता चलेगा। हालांकि 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। बिल्कुल, औपचारिक रूप से वो परिणाम, वो रुझान आने शुरू हो जाएंगे अंशिका। और भूत, भविष्य, वर्तमान, ये तीन जो बिंदु है समय के, उन बिंदुओं पर अगर बात करें तो भूत क्या था, भविष्य क्या होगा और अभी वर्तमान में क्या चल रहा है, इसके हिसाब से हम आपको अपडेट देंगे। अंशिका ने अभी भूत की बात की, अभी वर्तमान की बात करेंगे और हमारे कुछ सहयोगी अंशिका जुड़ रहे हैं हमारे साथ, उनसे भी अपडेट लेंगे। बिल्कुल, विनीत कुमार हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हैं, युगल तिवारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रशांत हमारे साथ जुड़े भोपाल से और साथ ही वासु भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं राजगढ़ से। तमाम और भी सहयोगी हमारे जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले दिल्ली का हाल जानेंगे। विनीत, क्या चल रहा है दिल्ली में काउंटिंग से पहले? जी अंशिका, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना, कार्यकर्ता है वो कॉन्फिडेंट है, वो कॉन्फिडेंट है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सेलिब्रेशन की भी कहीं ना कहीं तैयारी जो है वो शुरू हो गई है। यहाँ पर पूड़ियां जो है वो तली जा रही है और इसके साथ ही साथ अगर हम देखें जो जीत का जो लड्डू है वो भी यहाँ पर तैयार हो रहा था। साफ तौर पर यहाँ पर अगर हम बात करें, बीजेपी की बात करें, तो बीजेपी में एक अपना तरह का कॉन्फिडेंस है और यहाँ पर सेलिब्रेशन की कहीं ना कहीं तैयारी जो है वो यहाँ पर की जा रही है। देख रह सकते हैं हमारे कैमरे पर, आप देख सकते हैं कि पूड़ियां जो है वो यहाँ पर तली जा रही है और इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें तो यहाँ पर लड्डू की भी बनाने की भी तैयारी जो है वो की जा रही है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हलवा है, बूंदी है और पूरी तरह से यहाँ पर जो तैयारी जो है वो बीजेपी अपनी ओर से की जा रही कर रही है, क्योंकि बीजेपी का यह मानना है कि जिस तरह से 2014 में जीत हासिल हुई थी उसका 2019 में जीत हासिल हुई थी और उससे बड़ी जीत जो है वो इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में होगी और इसी को लेकर के। हालांकि सुबह सुबह पूरी हलवा और आप ऐसी चीजें दिखा रहे हैं विनीत की मुंह में पानी आ जाए इंसान के, और नेता तो इंतजार कर रहे होंगे कि भैया जब रिजल्ट आ जाएंगे तब हम अपना व्रत खोलेंगे आशीष। और अब ये पूड़ियां जब हम देख रहे हैं तो समझ में आ सकता है कि एक्साइटमेंट कितनी हो रही होगी आज। निश्चित रूप से, और काफी लोग लगे हुए हैं और पूरा जो भंडारा है वो तैयार है विनीत। और भंडारे को देखकर जैसा कि अंशिका ने कहा, बिल्कुल वही स्थिति मेरी भी है और खुशबू हम यहां तक महसूस कर पा रहे हैं। लेकिन अब देखना यह होगा कि लोकतंत्र के इस उत्सव में किसे जनता ने आशीर्वाद दिया, उसकी खुशबू कहां तक पहुंच रही है। युगल तिवारी के पास चलेंगे, रायपुर चलते हैं। रायपुर में युगल, क्या चल रहा है, मूवमेंट कैसी है, क्या कुछ है डिटेल्स?
देखिए आशीष, बिल्कुल अब मतगणना की तैयारी शुरू हो गई है। बिल्कुल जितने भी आला अधिकारी हैं, ऑब्जर्वर हैं, सभी यहां पर मौजूद हैं। और मैं सीधी तस्वीर यहां से मतगणना केंद्र रायपुर से दिखाना चाहूंगा कि आप देख सकते हैं तमाम पुलिस के अधिकारी हैं, सभी यहां पर आ चुके हैं और अपने अपने जो दायित्व है उसका सीधा वो निर्वहन करेंगे। और आप देख सकते हैं यहाँ पर पहले मतगणना का काम है वो शुरू होगा, पहले बैलेट पत्र की गिनती है वो शुरू होगी, उसके बाद जो है ईवीएम है वो खुलेगा। तो ये तस्वीर साफ दिखा रही है कि यह किस तरह की तस्वीर है। पूरे 3 लेयर की सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर तैनात किया गया है। 30 कंपनियां हैं अलग अलग, जो 94 सेंटर है जहां पर काउंटिंग होगा, तो 30 जो कंपनियां हैं लगाई गई हैं। इसके अलावा जो स्थानीय जो पुलिस है वो बड़ी संख्या में बल है वो लगाया गया है। अगर हम छत्तीसगढ़ की पूरे सीटों की बात करें, 2014 में जो चुनाव हुए थे तो उसमें अगर हम बात करें तो दो सीट पर कांग्रेस को जीत मिली थी, एक कोरबा का सीट है और एक आपके बस्तर का सीट है। तो देखना होगा कि 9-2 की स्थिति थी तो अब क्या होता है, क्या बस्तर की जनता किस तरह से क्या कांग्रेस को आशीर्वाद देते हैं या फिर कोरबा की जनता फिर से रिपीट करते हैं। इसके अलावा दिग्गज कांग्रेस नेताओं के साथ साथ दिग्गज बीजेपी नेताओं के भविष्य है उसका जो बिल्कुल एग्जिट पोल्स भी हम दिखा रहे थे दर्शकों को, और एग्जिट पोल्स के हिसाब से देखना होगा कि आज क्या वो एग्जिट पोल एग्जैक्ट में तब्दील होंगे या फिर कुछ एक अलग ही तस्वीर देखने को मिलेगी। प्रशांत भी हमारे साथ जुड़े भोपाल से। प्रशांत, भोपाल में क्या चल रहा है काउंटिंग से पहले? 8 बजे वो काउंटिंग शुरू होगी, हालांकि 8 बजे पहले जो पोस्टल बैलेट हैं उनकी काउंटिंग शुरू होगी, जैसा कि चुनाव आयोग ने बताया है। दरअसल 29 जिले ऐसे हैं जहां पर पोस्टल बैलेट से काउंटिंग होगी, 8 बजे से शुरू हो जाएगी और इसके बाद वहां 8:30 बजे से इसके बाद जो ईवीएम मशीन से काउंटिंग शुरू हो जाएगी। इसके अलावा 23 जिले ऐसे हैं जहां पर पोस्टल वैलेट से काउंटिंग नहीं होनी है, तो फिर वहां सीधे 8 बजे सुबह 8 बजे से काउंटिंग शुरू हो जाएगी। जैसा कि आप शुरुआत में चर्चा कर रहे थे कि दंगल भी होगा और मंगल भी होगा, भूत और भविष्य दोनों की बात मध्य प्रदेश में होने जा रही है, क्योंकि दोनों सियासी दलों को अच्छे नतीजों का इंतजार है। बीजेपी जहां इस बार एक सीट जो 2019 में भी बीजेपी हासिल नहीं कर पाई थी, यानी छिंदवाड़ा, वो 29 सीटें बीजेपी इस बार आशा कर रही है कि सारी की सारी सीटें उसके पाले में आ जाएंगी। लेकिन कांग्रेस पाले में भी, कांग्रेस खेमे में भी इस बात का इंतजार है कि अगर एक से ज्यादा सीटें भी आ जाती हैं, 2-3-4 सीटें भी अगर आ जाती हैं तो हो सकता है कि वहां जश्न जैसा माहौल आपको नजर आए। तो दोनों तरफ से आशाएं हैं, कॉन्फिडेंस भी है, और या कहें कि कॉन्फिडेंस भी एक तरफ नजर आ रहा है, दूसरी तरफ आशाएं भी नजर आ रही हैं उन एग्जिट पोल को लेकर, जिन एग्जिट पोल में बीजेपी को 400 पार भी दिखाया जा रहा है, एक एग्जिट पोल 400 से ज्यादा सीटें भी दिखा रहा है। तो इस नजरिए से अगर हम बात करें तो बीजेपी खेमे में उत्साह भी है और यह उत्साह कुछ देर बाद नजर भी आने लगेगा जब 11 से 12 लगभग 3 से 4 घंटे बाद जैसे ही काउंटिंग शुरू होगी, लगता है कि एनडीए के बाद लगभग रुझान साफ होने लगेंगे, उत्साह उनका भी कहीं ना कहीं होगा, क्योंकि जो पिछले चुनाव परिणाम रहे उससे कुछ बेहतर ही उन्हें इस बार के चुनाव परिणाम में मिलने की संभावनाएं दिखाई दे रही है। हालांकि डेडिकेटेडली अगर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहां चांसेस कम है, लेकिन देश में एनडीए के बाद इंडिया गठबंधन ठीक ठाक परफॉर्म करता हुआ दिखाई दे रहा है। वासु के पास चलेंगे और वासु इस वक्त हमारे सहयोगी राजगढ़ से मौजूद है। वासु, अभी से कुछ देर में तो रुझान आने शुरू हो ही जाएंगे, लेकिन तैयारियां किस तरह की, आप इस वक्त किस जगह मौजूद हैं, कैसी मूवमेंट नजर आ रही है, किस तरह की एक्साइटमेंट है? बिल्कुल, देखिए राजगढ़ मध्य प्रदेश की वो लोकसभा सीट है जिस पर पूरे देश भर की नजर है, क्योंकि कांग्रेस के दिग्गज नेता पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह यहां से चुनाव लड़ रहे हैं। रोडमल नागर के खिलाफ वो चुनाव लड़ रहे हैं जो यहां के मौजूदा सांसद हैं। दिग्विजय सिंह जब भी कुछ काम करते हैं, कुछ पॉलिटिकल गतिविधि हो या फिर कोई अन्य चीज हो, वो हमेशा चर्चा में रहते हैं और राजनीति के केंद्र में वो लगातार बने रहते हैं। तो दिग्विजय सिंह का ये चुनाव जो है वो अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है, बेहद खास हो जाता है। राजगढ़ लंबे अरसे तक कांग्रेस का गढ़ रहा है, खुद दिग्विजय सिंह, उनके भाई लक्ष्मण सिंह यहां से कई बार चुनाव जीतकर सदन में पहुंचे हैं, संसद में पहुंचे, क्षेत्र का रिप्रेजेंट उन्होंने किया है। लेकिन पिछले 2-3-4 चुनावों की बात करें तो लगातार यहां से बीजेपी जो है वो जीतती हुई आ रही है। तो सबसे बड़ा सवाल यही बना हुआ है कि क्या कांग्रेस अपने पुराने इस पूरे गढ़ को वापस ले पाएगी, क्या पुराने गढ़ को वापस हासिल कर पाएगी, क्योंकि कांग्रेस ने जो चुनाव लड़ा है वो सोशल इंजीनियरिंग पर लड़ा है। हमने देखा कि दिग्विजय सिंह जब कैंपेन करते थे तो वो गांव गांव में पहुंचते थे, अलग अलग समाजों को, वर्गों को साधने की कोशिश करते थे। वहीं दूसरी तरफ अगर बीजेपी की बात करी जाए तो पूरा का पूरा
जो इलेक्शन है वो कहीं ना कहीं संगठन के दम पे और पीएम मोदी के फेस पर जो है वो लड़ती हुई बीजेपी नजर आई। मध्यप्रदेश की जो सबसे दिलचस्प सीटें हैं जहां पर ये बताया जा रहा है कि कांटे का मुकाबला है, जिन सीटों पर कुछ भी हो सकता है, स्विंग सीट्स आप जिन्हें मान सकते हैं, उसमें राजगढ़ का नाम सबसे ऊपर आता है, छिंदवाड़ा उसमें शामिल है, मुरैना शामिल है, मंडला, सतना, सीधी जैसी सीटों की बात कर ले तो ये तमाम वो क्षेत्र है जहां पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला है। और कांग्रेस के जो एग्जिट पोल्स में जो परिणाम आए थे कि लगभग 0-3 या 0-4 सीटें जो है वो बताई जा रही थी, तो वो इन्हीं 3-4 सीटों में से वासु, प्रशांत, युगल आप सभी हमारे साथ बने रहिएगा। और जिस फाइट के बारे में जिस ओर इशारा कर रहे थे वासु, उसी ओर लिए चलते हैं। आज बात करेंगे बिग फाइट की, आज कौन कौन सी बिग फाइट्स रहेंगी। असल में लड़ाई तो हो चुकी है लेकिन ये ऐसा अंशिका एकमात्र युद्ध है जिसका कि युद्ध लड़ने के बाद परिणाम आता है। और जो चर्चा, जो आपने देखा होगा एक सीरियल आया था जिसमें रामायण के किरदार निभाए गए थे और उस सीरियल में युद्ध से ठीक पहले का एक वो गीत के कुछ शब्द मुझे याद आते हैं, यही रात अंतिम यही रात भारी, वो रात तो गुजर गई अंशिका, लेकिन ये जो सुबह के एक दो घंटे मुझे लगता है ये ज्यादा धक-धक बढ़ा देने वाले मोमेंट्स रहेंगे नेताओं के लिए। बड़ी चीज है कि हम खुद भी जिस फेज से गुजरते हैं रिजल्ट्स के पहले, बड़े लड़ैया कौन है ये हम दिखा देते हैं कि कौन बड़े लड़ैया है और फिर किसके बीच बिग फाइट है। तो देखिए शिवमंगल सिंह तोमर मुरैना की अगर बात करें और सत्यपाल सिकरवार कांग्रेस के प्रत्याशी, देखना होगा दोनों में से किसने जनता के दिल पर ज्यादा राज किया है। निश्चित रूप से शिवमंगल सिंह तोमर के सामने सत्यपाल हैं। और मध्यप्रदेश भिंड सीट की अगर बात करें तो ये संध्या राय को यहां पर भारतीय जनता पार्टी ने चुनावी मैदान में उतारा था फूल सिंह बरैया के खिलाफ। फूल सिंह बरैया कांग्रेस पार्टी का वो चेहरा जिन्होंने कांग्रेस पार्टी के लिए हमेशा आगे बढ़ चढ़ कर काम किया। भरत सिंह कुशवाहा और प्रवीण पाठक, प्रवीण पाठक कांग्रेस के प्रत्याशी और बीजेपी के प्रत्याशी ग्वालियर से। भरत सिंह कुशवाहा और ग्वालियर वो सीट थी जिसके कैंडिडेट्स को लास्ट में घोषित किया गया। और ग्वालियर सीट पर प्रभाव रखने वाले नेता गुना से चुनाव लड़ रहे हैं और गुना इनकी पारंपरिक सीट रही है। ज्योतिरादित्य सिंधिया यहां से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं और राव यादवेंद्र सिंह यहां से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार बनाए गए थे। बिग फाइट में सागर की बात। बिल्कुल, अब सागर में बीजेपी ने डॉक्टर लता वानखेड़े को उतारा मैदान में और चंद्रभूषण सिंह बुंदेला कांग्रेस के प्रत्याशी। देखना होगा कि आज दोनों के बीच कितनी कड़ी फाइट होगी। और कड़ी फाइट टीकमगढ़ में भी है अंशिका, जहां वीरेंद्र कुमार बीजेपी के उम्मीदवार हैं और पंकज अहिरवार इनके सामने हैं। और जो एक राजनीतिक कद यहां पर अगर देखें तो थोड़ा सा एक मिसमैच रहता, लेकिन चर्चित चेहरे दोनों ही एक जैसे टीकमगढ़ सीट पर। इसके अलावा टीकमगढ़ के अलावा दमोह की भी बात करें अगर तो बीजेपी की तरफ से राहुल सिंह लोधी को प्रत्याशी बनाया गया और तरवर सिंह लोधी कांग्रेस के प्रत्याशी बने हैं। हालांकि यहां पर भी देखना होगा कि कितनी बिग फाइट है क्योंकि ये भी एक हाई प्रोफाइल सीट। इसके अलावा भी बात करेंगे दमोह के अलावा खजुराहो की बात। खजुराहो की सीट बिग फाइट में वीडी शर्मा है, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं अभी प्रजापति। हालांकि यहां पर अंशिका कुछ चीजें अलग तरीके से हुई जिसमें AIFB के कैंडिडेट को यहां से अब प्रत्याशी को समर्थन दे दिया गया इंडिया की तरफ से। सतना की भी बात करें अगर तो गणेश सिंह बीजेपी के कैंडिडेट और कांग्रेस के सिद्धार्थ कुशवाहा के बीच बिग फाइट होगी यहां पर सतना में, गणेश सिंह वर्सेस सिद्धार्थ। और रीवा की बात करेंगे, रीवा में जनार्दन मिश्रा भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं, उनका जो मुकाबला है वो नीलम मिश्रा से है यहां पर। और रीवा सीट भी काफी महत्वपूर्ण सीट रहेगी, हालांकि यहां पर जो फाइट है वो बिग है और ये सीट भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। सीधी की भी बात करेंगे, सीधी में डॉक्टर राजेश मिश्रा वर्सेस कमलेश्वर पटेल होगा, कांग्रेस के प्रत्याशी कमलेश्वर पटेल और दोनों के ही बीच देखना होगा कि आखिर वोटों का अंतर कितना होगा, कौन जीत हासिल करेगा। और आगे जब इसमें परिणाम आने लगेंगे तो वो भी हम आपको दिखाएंगे। शेड्यूल की अगर बात करें तो शेड्यूल से पुंदेलाल सिंह मार को यहां कांग्रेस पार्टी ने जो चुनावी मैदान में उतारा और हिमाद्री सिंह भारतीय जनता पार्टी की इस बार जो भरोसा जीतने में कामयाब रही थी। लेकिन अंशिका ये देखना होगा कि जनता का भरोसा इस बार अब कौन जीतता है। जबलपुर की भी बात करेंगे, बीजेपी ने आशीष दुबे को भरोसा जताया और उन्हें कैंडिडेट बनाया है और आशीष दुबे वर्सेस दिनेश यादव का यहां पर मुकाबला है। कांग्रेस की तरफ से वो प्रत्याशी है और स्टेट लेवल के नेता है, देखना होगा कितनी कड़ी फाइट होगी। और ये सीट बहुत ही बड़ी सीट, बड़े बड़े चेहरे, फग्गन सिंह कुलस्ते इस सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। हम बात कर रहे हैं मंडला लोकसभा सीट की, ओंकार सिंह मरकाम के सामने फग्गन सिंह कुलस्ते या फग्गन सिंह के सामने ओंकार सिंह मरकाम, अब देखना होगा। लेकिन इस सीट पर अंशिका जीत के बड़े दावे बीजेपी की तरफ से किए गए थे। अब बात बालाघाट की। बिल्कुल, बालाघाट से भारती पारधी एक और महिला प्रत्याशी हम देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की। भारती पारधी और सम्राट सारस्वत कांग्रेस के प्रत्याशी हैं।
और दोनों के ही बीच कड़ा मुकाबला, दो महिला कैंडिडेट के अलावा। एक और बार अब छिंदवाड़ा की बात, और छिंदवाड़ा सीट अंशिका ये बहुत अच्छी सीट आई है, जिस पर अभी तक चर्चा यही चल रही है कि आखिर कौन जीतेगा, क्या विवेक बंटी साहू को उनके अब तक किए गए कामों का परिणाम मिलेगा, क्योंकि विवेक बंटी साहू लगातार चाहे विधानसभा का चुनाव हो चाहे लोकसभा का चुनाव लड़ते रहे नकुलनाथ और कमलनाथ के सामने, लेकिन बराबर उन्हें हार मिली अंशिका, लेकिन क्या इस बार वो पारितोषक जिसके वो हकदार है या वो दावेदार है मिलेगा उन्हें। अब बात होशंगाबाद की भी करेंगे, दर्शन सिंह चौधरी बीजेपी के प्रत्याशी वर्सेस संजय शर्मा कांग्रेस के प्रत्याशी, दोनों के ही बीच कड़ी फाइट, कड़ा मुकाबला, देखना होगा किसने जनता के दिल पर सबसे ज्यादा राज किया है। और अब बात विदिशा की, हाई प्रोफाइल सीट, ये वेरी वेरी हाई प्रोफाइल सीट से अंशिका, यहाँ पर प्रदेश में मामा जी के नाम से मशहूर, लंबे समय तक मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी संभाल चुके शिवराज सिंह चौहान चुनावी मैदान में, प्रताप भानु शर्मा को कांग्रेस पार्टी ने इस मैदान में उतारा उनके सामने। और अब बात भोपाल की भी कर लेते हैं, भरोसा जताया गया पहली बार आलोक शर्मा भोपाल से कैंडिडेट है बीजेपी के, और अरुण श्रीवास्तव कांग्रेस के कैंडिडेट है, दोनों के बीच। आलोक शर्मा के लिए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मेगा रोड शो किया था भोपाल में, तो ये बिग फाइट है। राजगढ़ की भी बात, और राजगढ़ रोडमल नागर के सामने दिग्विजय सिंह या दिग्विजय सिंह के सामने रोडमल नागर, ये अब से कुछ ही देर में घोषित अघोषित हो जाएगा, अभी तो अघोषित है परिणाम, अभी तो पहले राउंड की काउंटिंग होनी अंशिका, और पहले राउंड की काउंटिंग में काफी दिलचस्पी बढ़ेगी, वो जो एक्साइटमेंट की हम बात कर रहे थे, वो जो ये 6 बजे से लेकर के 8 बजे तक का समय, वो एक्साइटमेंट, वो उन नेताओं के पैरों की पिंडलियों में कंपन सा भी जो बना हुआ है, वो कंपन धीरे धीरे कम होगा परिणाम स्पष्ट होने के साथ। अच्छा, किन दिग्गज ने कितनी रैलियां की हैं ये भी हम दिखा देते हैं दर्शकों को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देख लीजिए रैलियां, रोड शो 206, बहुत बड़ी संख्या है ये, तमाम जो जगहों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए और उन्होंने यहां पर रोड शोज और रैलियां की है, एक एक दिन में 3-3 जगहों पर जाना आशीष बहुत बड़ी बात, 3-3 4-4 जगहों पर। बिल्कुल अंशिका, और भूत भविष्य और वर्तमान जैसा कि हमने जिक्र किया भी था, अंशिका ने भूत से शुरुआत की है तो भूत में चलते हैं, और कैसा चुनाव परिणाम आएगा वो तो देखेंगे ही, लेकिन क्या तैयारियां हुई 2024 के रण में, दिग्गजों ने कितना दम दिखाया, अमित शाह की बात करेंगे, रणनीतिकार हैं भारतीय जनता पार्टी के, रैलियां और रोड शो इनके 188, ऐसा लग रहा है जैसे ये किसी मैच का स्कोर है किसी बैट्समैन का, 188 रैलियां और रोड शो नॉन स्टॉप। प्रधानमंत्री कहते रहे कि 24/7 फॉर 2047, और देखिए यहां पर बैक टू बैक जो रैलियों के जो सिलसिले हैं वो दिखाई दिए, जेपी नड्डा भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कितने रैलियां की हैं, 87 रैलियां भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की तरफ से की गई, 87 रैलियां रोड शोज किए गए हैं 24 के रण के लिए, तमाम दिग्गजों ने पूरा दम दिखा दिया। कांग्रेस की भी बात कर लेते हैं आशीष, कांग्रेस पार्टी के स्टार कैंपेनर और कर्ता धरता भी जो इस वक्त जिम्मेदारियां संभाल रहे हैं, राहुल गांधी जिनके कंधे पर बड़ी जिम्मेदारी है, 107 उनकी रैलियां और रोड शोज रहे, और अंशिका ये बिल्कुल वैसे क्रिकेट के स्कोर जैसा दिखाई दे रहा है, जो जितने ज्यादा चुनाव प्रचार में रहा उतना ही बड़ा वो नेता, या फिर यूं कहें कि जितना बड़ा नेता उसने उतने ही ज्यादा रोड शो और चुनावी रैली की, उसका एक बड़ा कारण ये अंशिका कि लोग सुनना चाहते हैं देखना चाहते हैं जानना चाहते हैं कि किसका क्या विजन है। प्रियंका गांधी की भी बात करेंगे, प्रियंका गांधी हर जगह मध्य प्रदेश से लेकर छत्तीसगढ़ तक तमाम बड़ी बड़ी सभाओं में वो नजर आई, उन्होंने मंच से अपनी बड़ी बातें की, कुल 108 रैलियां और रोड शो प्रियंका गांधी की तरफ से किए गए। मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष, और रैलियां और रोड शो उन्होंने 100 से भी ज्यादा किए हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी छत्तीसगढ़ में भी हमने देखा अंतिम दौर में वो नजर आए थे निश्चित रूप से, और चूंकि एक बड़ा इम्पैक्ट रहता है, और चूंकि ये दक्षिणी भारत से आते हैं और वहां का जो इम्पैक्ट दिखाई देता है वो छत्तीसगढ़ में वहां के नेताओं की प्रासंगिकता अक्सर बनी रहती है, और वो चूंकि सीमावर्ती राज्य है तो 100 से ज्यादा रैलियां करके जो प्रभाव डालने का प्रयास मल्लिकार्जुन खड़गे ने किया, और उसमें कई रैलियां कई बयान इनके बहुत चर्चित भी रहे अंशिका, उस पर भी मुझे लगता है हम बात करेंगे, हालांकि 8 बजे के बाद जब रुझान आने शुरू हो जाएंगे तब तो मुश्किल होगा, लेकिन उससे पहले प्रयास ये जरूर होगा कि उन बड़ी बातों का जिक्र अपने दर्शकों से हम जरूर करें जिसके बारे में हमने अभी चर्चा शुरू की है, ये भूत से शुरुआत हुई है फिर वर्तमान पर आएंगे और आगे भविष्य क्या होगा ये भी आगे आपको बताएंगे। न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ लगातार रुझान से लेकर परिणाम तक सटीक नतीजे आप तक पहुंचाएगा। बिल्कुल, और हमारी जिम्मेदारी है कि आप तक सबसे सटीक नतीजे पहुंचे, सटीक खबरें पहुंचे, और इसी वजह से सबसे पहले हम कोशिश करते हैं कि जो भी समीकरण बन रहे हैं, जिस भी तरह के समीकरण अलग अलग राज्यों में बन रहे हैं उसके बारे में आप तक विस्तार से जानकारी पहुंचाए, और सुबह से आपको क्योंकि 2024 में क्या होने वाला है इसके लिए तो इंतजार करना होगा, लेकिन अगर थोड़ा और पीछे जाए हम 2019 की अगर हम बात करें
तो 2019 को भी समझना बहुत जरूरी है कि 2019 में कितना दम नेताओं ने दिखाया था, कितनी सीटें किसको मिली थी और इस बार कितना बड़ा डिफरेंस यहां पर देखने को मिलेगा। तो 2019 भी नहीं भूलना चाहिए। मध्य प्रदेश की 29 सीटों में से 28 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी, महज एक सीट छिंदवाड़ा की, जहां इस बार भी बिग फाइट है, कांटे की टक्कर है। ये एक सीट कांग्रेस को गई थी छिंदवाड़ा, कांग्रेस की कैंडिडेट ने जीत हासिल की थी, नकुलनाथ ने जीत हासिल की थी। इस बार देखना होगा कि 2019 से हटके क्या परिणाम आते हैं, लेकिन 2019 को भी आशीष समझना होगा 100%। और चूंकि आप अंशिका, जो भविष्य की नींव होती है वो रखी जाती है कि अतीत में क्या कुछ हुआ, अथवा अतीत के उस आंकड़ों पर वो नींव रखी जाती है। और इस वक्त आप देख रहे हैं ग्राफिक्स के माध्यम से, एनडीए ने 2019 में 303 सीटों के साथ सरकार बनाई थी और इंडिया जो उस वक्त यूपीए हुआ करता था अंशिका, वो 52 सीटों पर था और जो अदर्स थे वो 188 यानी 188 थी। मुझे लगता है अंशिका थोड़ी सी कंफ्यूजन यहां पर लोगों को ये जरूर होगी कि जो यूपीए था अभी हम एनडीए या इंडिया क्यों दिखा रहे हैं, इंडिया चूंकि अब वो पार्टियां जुड़ गई हैं और उसमें अदर्स के आंकड़े और इंडिया के आंकड़े में मुझे लगता है वो कांग्रेस पार्टी का जो इंडिया गठबंधन को लीड कर रही है अभी तक अघोषित रूप से, ये उसके आंकड़े, 52 सीटें कांग्रेस पार्टी को मिली थी। बिल्कुल, और यहां पर हम दिखा रहे 2019 के, लेकिन आप बात करेंगे मध्य प्रदेश की भी। मध्य प्रदेश की कुल 29 लोकसभा सीटें और बीजेपी ने देखिए 28 सीटों पर जीत हासिल की थी, और यहां कांग्रेस की अगर हम बात करें तो एक सीट जो हम दिखा भी रहे हैं, अदर्स के खाते में कुछ भी नहीं गया था। इस बार देखना होगा कि ये एक सीट कितनी इंपॉर्टेंट। मैं अंशिका आपको बीच में रोक रहा हूं, मुझे वो बातें बहुत याद आता है कि थोड़ा सा मुझे पर्सनली मुझे लगा कि ये जो इस बार का चुनाव जो फाइट हुआ है उसमें थोड़ा सा अनफेयर ये रहा कि कांग्रेस पार्टी ने सभी सीटों पर कैंडिडेट्स नहीं उतारे, और पिछली बार का जो रिजल्ट था वो 29 बनाम 29 था बीजेपी। अब छत्तीसगढ़ की भी बात कर लेते हैं, छत्तीसगढ़ की 11 सीटों पर 2019 में बीजेपी ने 9 सीटें जीती और कांग्रेस के खाते में 2 सीटें गई थी, कोरबा और बस्तर, जैसा कि हमारे सहयोगी भी बता रहे थे थोड़ी देर पहले। लेकिन इस बार देखना होगा कि 2019 से हटके परिणाम कितने अलग आएंगे या फिर सेम ही आएंगे। और बीजेपी ने दावा भी किया है कि बस्तर की सीट हमारी है इस बार, लेकिन अंशिका अंदर की रिपोर्ट ये कहती है कि बस्तर की सीट जिसके हाथ में चली गई, केंद्र की सत्ता भी उसके हाथ में जाती है ऐसा कहा जाता। हालांकि अभी तक बस्तर पर यह मुकाबला भी गजब देखा गया था। दीपक बैच चाह रहे थे कि उन्हें टिकट मिल जाए, फिर कवासी लखमा चाह रहे थे उनके बेटे को मिल जाए, हालांकि कवासी लखमा ही फिर यहां से चुनावी मैदान में नजर आए। तो ये है 2019 के बाद। अब एक बड़ी खबर ये कि थोड़ी ही देर में काउंटिंग शुरू हो जाएगी, सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू होगी और सबसे पहले पोस्टल बैलेट की काउंटिंग होगी। न्यूज 18 पर सबसे तेज, सबसे सटीक नतीजे, सबसे पहले थोड़ी ही देर में काउंटिंग। कहां क्या हो रहा है, हमारे तमाम संवाददाता जिनका परिचय हमने आपसे कराया ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, जो आप तक हर तस्वीर सबसे पहले पहुंचाएंगे। और पोस्टल बैलेट की काउंटिंग से शुरू होगा, उसके बाद रुझान आने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि पहले राउंड की जब गिनती शुरू होगी तो पहले राउंड की गिनती में उन सीटों पर जिन पर हमारी नजर बनी हुई है पहले, चूंकि टेबल्स कितनी रहेंगी, क्या रहेगी स्थिति, वो थोड़ा सा देखना होगा। लेकिन कंडक्ट बहुत तेजी से होगा कि काउंटिंग करने के जो राउंड्स हैं वो थोड़ा उसमें समय हो सकता है कि पहले और दूसरे राउंड के बीच में समय हो, लेकिन काउंटिंग बहुत जल्दी होगी। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का ये बहुत बड़ा फायदा अंशिका हुआ है कि बहुत लंबा इंतजार नहीं करना पड़ता, पूरे पूरे दिन इंतजार नहीं करना पड़ेगा, बस कुछ ही घंटों का खेल है अंशिका। और ये सब कुछ स्क्रीन पर होगा, सब जो जनता के बीच बोलकर आए, उन्होंने पिछले क्या काम किए और उनको लोगों ने कितना स्वीकार किया, यह भी अब से कुछ ही देर में स्पष्ट हो जाएगा। भूत, भविष्य और वर्तमान, मैं बार बार इस बात का जिक्र कर रहा हूं क्योंकि अभी 2019 क्या है, भूत है, अब 2024 है, ये वर्तमान है, और 2047 का भी जिक्र कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कि भविष्य होगा। तो सबसे पहले पोस्टल बैलेट की काउंटिंग होगी और न्यूज 18 पर सबसे तेज, सबसे सटीक नतीजे आप तक हर तस्वीर सबसे पहले पहुंचाएंगे।